बच्चों नमस्कार मैं अरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित बेदित फिर से स्वागत करता हूं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे एकदम बेहतरीन खुशहाल होंगे और फिर से आपका पंद्रह मिनट शो में एक बार फिर से स्वागत है तो बच्चों आप लोगों को मैं मैथ पैडागोजी के बेसिक कंसेप्ट इस सीरीज में करा रहा हूँ जो पंद्रह मिनट शो के नाम से है और यह भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यदि इसे कंटिन्यूस लेंगे तो आपको काफी फायदा होगा क्योंकि कम टाइम ज्यादा कंटेंट ठीक है तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इस समय परीक्षा में आने वाले प्रश्न टीएलएम टी एल एम टीचिंग लर्निंग मेटीरियल टीएलएम आज हम लोग पढ़ेंगे टीएलएम होता क्या है यदि हम लोग इसे जाने टीएलएम को टी एल एम तो टी फोर होता है टीचिंग टीचिंग एल फोर होता है लर्निंग लर्निंग एम फोर होता है मेटेरियल मैटेरियल बेटा ठीक है टीचिंग लर्निंग मेटेरियल की बात हम लोग करें तो आपने देखा होगा वह वस्तु जो हमारे अध्ययन को पढ़ाई को ठीक है रुचि कर और स्टेबल बना दे स्थाई बना दे ठीक है वह वस्तु वह वस्तु जो हमारी पढ़ाई को पढ़ाई को या अधिगम को अधिगम को क्या बना दें बेटा अधिगम को रुचि कर, रुचि कर मतलब इंटरेस्टफुल और क्या बना दें स्टेबल बना दें स्थाई बना दें आखिरकार ये रुचिकर और स्टेबल का मतलब क्या है वैसे आप लोगों को पता है कि जब बच्चा छोटी क्लासों में जाता है तो उसे बस किसी से डर नहीं लगता उसे डर लगता बस पढ़ाई से ठीक है उसे यह पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या है कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा हार्ड है उसे दुनिया की कोई बात नहीं पता है अभी शुरू में बस उसे स्कूल जाने से डर है तो कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे बच्चा खेल खेल में ही सब्जेक्टों को सीख जाए ठीक है तो ऐसे हम तरीकों को बोलते हैं टी एल एम टीचिंग लर्निंग मटेरियल ठीक है जो स्टेबल होते हैं यदि बच्चे को हम लोग दिखाकर पढ़ाएं और एक बार रटवा कर पढ़ाएं, तो बच्चे को ज्यादा दिन तक बच्चे को ना हमको भी ज्यादा दिन तक वह बात ज्यादा आजाद रहती है जो हमने देखकर अपने हाथों से सीखी है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ठीक है के अनुसार हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें एक अबाकस, गिन्तारा। गिन्तारा इसकी हिंदी होती है ठीक है अबाकस ये हम लोगों को पढ़ना है बात यदि अबाकस की करें तो एक अबाकस की आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है ठीक है ये कोई रेलिंग वगैरह नहीं है बेटा मकान की कभी सोच रहे हो अबाक बाकस अबा का मतलब क्या है इसमें जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं लकड़ी वगैरह के होते हैं बेटा ठीक है प्लास्टिक के भी होते हैं इन्हें हम ऊपर नीचे कर कर गिनती काउंटिंग कर सकते हैं गिनती काउंट कर सकते हैं जोड़ सकते हैं ठीक है घटाना सिखा सकते हैं बच्चों को कम ज्यादा करके ज्यादा कर देंगे तो प्लस की तरफ कम कर देंगे तो हम लोग माइनस की तरफ और स्थानीय मान इनके ठीक है प्लेस वैल्यू हम लोग सिखा सकते हैं बच्चों को प्लेस वैल्यू अंकित हम लोग टीएलएम में किसका सहारा लेते हैं गिन तारा या अबाकस का सहारा लेते हैं दूसरा टीएलएम वस्तु कौन सी होती है दूसरी होती है बुलेटिन बोर्ड जैसे कि आप स्कूल में गए और स्कूल में एंट्री करने के साथ ही आपको तरह तरह के लिफाफे पे ठीक है एक गत्ते के बोर्ड पर लगे मिलेंगे जिन पर ऊपर से पिन लगी होगी तो बच्चे का ध्यान उधर जाएगा उन पर कुछ ना कुछ लिखा होता है ठीक है न्यूज वगैरह कुछ न्यूज तो भाई बच्चा पढ़ेगा क्या शुरू में छोटा बच्चा हाँ जब जानकार हो जाता है तब पढ़ना शुरू हो जाता है कुछ कटिंग फोटो वगैरह उस पर लगा दिए एट्रेक्शन वाले ठीक है तो उससे हमने देखा होगा उसे बोलोटिंग बोर्ड कहते हैं ये भी हमारा एक टीएलएम में सहायक है ठीक है टीएलएम में बच्चों ये भी क्या है सहायक है आगे बढ़ेंगे हम लोग डॉट पेपर जामते सेप और अंग्रेजी मार माला ये जो डेट डॉट पेपर है इससे हम लोग क्या सीखते हैं जामते सेप सीखते हैं मतलब मान के चलो जैसे मुझे आयत ही बनाना है क्या बनाना प्यारे बच्चों मुझे आयत ही बनाना है तो मैं क्या करूंगा इधर से तीन डॉट मिलाऊंगा इधर से भी तीन डॉट और इन्हें आपस में मिला दूंगा बन गया आयत भाई ठीक है गुरु ने बताया था भाई तो हम लोग बनाना सीख गए हाथ से करके सीख रहे हैं ना जैसे मान के चलो बेटा मुझे एक ट्राइंगल ही बनाना था मैंने त्रिभुज बना दिया मुझे ए बनाना था ठीक है क्या बनाना था बेटा मुझे ए बनाना था मैंने ए बना दिया ठीक है क्या बना दिया भाई मैंने ए बना दिया ये ठीक है तो हम डॉटों को मिलाकर क्या सीख रहे हैं हम लोग जामती सीख रहे हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी हम लोग सीख पा रहे हैं इसके अंदर ओके okay भाई अंग्रेजी बड़म के अक्षर भी इसके अंदर से हम सीख पा रहे हैं जैसे हमने डी बनाना था भाई ठीक है हमें क्या बनाना था बेटा डी बनाना था बना दिया हमने डॉट बिंदुओं को मिलाकर बन गया ना डी भाई तो यहां हमने अंग्रेजी बड़ममाला सीखी और जानते से इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है डॉट पेपर का प्रयोग किया जाता है आगे डींस ब्लॉक डिंस ब्लॉक ये कोई वो नहीं आप सोच रहे फिंगर चिप्स वगैरह ठीक है ना इसमें हम डीएनसी ब्लॉक में क्या करते हैं स्थानीय मान के लिए उसका प्रयोग किया जाता है स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्लेस वैल्यू ठीक है स्थानीय मान भिन्न का कैसे प्रयोग किया जाएगा कि फ्रैक्शन का भाई फ्रैक्शन का मैं बताता हूं कैसे प्रयोग किया जाता है फ्रैक्शन में इसका डेंस ब्लॉक का मान के चलो बेटा आपको ये ब्लॉक दे दिया एक ब्लॉक ये दे दिया ठीक है ये मान के चलो आपको टेंस ब्लॉक दे दिए एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पाँच सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ दे दिए खाने और अपने उसने क्या किया उसने इन दो खानों को रंग दिया यहां से तो अब आपसे पूछ लेगा बताइए कितना पार्ट इसका रंगा हुआ है कितना पार्ट इसका छायांकित है कलर से रंगा हुआ है तो आपने क्या किया आपने पहले तो टोटल गिने हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इनमें से छायांकित कितने हैं दो आप इसे फ्रैक्शन बना सकते हैं ना एक बटे चार फ्रैक्शन में इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल भाई ओके भाई प्लेस वैल्यू में इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका डेंस ब्लॉक का आगे बढ़ेंगे हम लोग ग्राफ पेपर दशमलव संख्याओं का ज्ञान हम लोगों को ग्राफ पेपर से मिलता है ग्राफ पेपर से मिलता है मान के चलो बेटा मेरा यहां एक ओरिजिन पॉइंट है ये भी ग्रीन मैंने भी ग्रीन बना दिया ये आपका ओरिजिन पॉइंट है मान के चलते हैं ये वाला बीच वाला ठीक है और अब मुझे यहां फाइंड आउट करना है कि प्लस के टू पॉइंट फाइव क्या होगा ठीक है प्लस के टू पॉइंट फाइव तो जब मैं टू पॉइंट फाइव देखूंगा तो थोड़ा समझते चलना बेटा ये जीरो पॉइंट है इसका तो यहां एक पॉइंट बन गया यहां भी एक पॉइंट बन गया दो हो गई लेकिन मुझे तो पॉइंट फाइव आधा और जाना है कहां और जाना है बच्चों आधा और जाना है तो मैं आधा और इस पर, पर निशान लगा लूंगा भाई यहां ठीक है यहां मैं पहुंच चुका हूं तो ये मेरा पॉइंट फाइव हो गया पॉइंट फाइव तो मतलब मैंने कितने को डिनोट कर दिया टू तो पॉइंट फाइव को ऊपर लिखा भी है दशमलव संख्याओं का ज्ञान ग्राफ पेपर से किया जाता है किससे किया जाता है बच्चों ग्राफ पेपर से किया जाता है आगे हम बढ़ेंगे टेन ग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत कई बार पेपर में आता है ग्राम क्या है है? भाई? ठीक यदि हम लोग टेन ग्राम की बात करें तो ज्योमेट्रीय आकृति की पहचान और पहेली खेल के माध्यम से बच्चा क्या करता है पजल खेलता है बेटा पजल के माध्यम से बच्चा क्या, क्या करेगा ठीक है इनसे खेलना शुरू कर देगा कभी आपने देखा होगा कोई आकृति बनाएगा कभी बत्तक बनाएगा कभी नाब की आकृति बना देगा आपको दिखाई दे रही होगी हल्की हल्की ये आकृति नाब की आकृति सी दिखाई दे रही होगी सेब भाई। नाब बनाना शुरू कर देगा ठीक है तो इनसे क्या करेगा पजल भी खेल रहा है ठीक है और जामती आकृति भी इनके अंदर बना रहा है यार बच्चों ज्यामेट्री सेप भी इनके अंदर बना रहा है तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टेन ग्राम में त्रिभुज कितने होते हैं पांच ट्राई कितने होते हैं पांच एक स्क्वायर होता है बेटा एक समांतर पेलेलो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है सात आकृतियों में टेन ग्राम सजा सजा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से भाई छह सात जो सेवन सेप है उनके अंदर टेन सजा होता है आगे हमारा आता है सिमेट्री जो वस्तुओं को बराबर भाग में काट दे आपने दिल देखा होगा यहां पर ठीक है दिल बराबर बराबर भागों में कटा हुआ है। है। सिमेट्री, बिल्कुल एक सिमेट्री के अंदर यहां देखा होगा बेटा ये पंचभुज है एक दो तीन चार पांच ये भी बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है यहां से ठीक है तो यह क्या एक सिमेट्री लाइन है ये भी टीएलएम का एक वो है बेटा आपको पता भी है यदि बात लेवल वन की करें लेवल वन में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन सिमेट्री से आता है ठीक है बिल्कुल आता है भाई तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है सिमेट्री का क्या क्या होता है सिमेट्री का मतलब होता है सम्मित सम्मिति का मतलब होता है दोनों तरफ समान ठीक है पार्टों को हिस्से में बराबर बांट देना यहां भी टीएलएम का इस्तेमाल होता है जियो जेबरा जियो जेबरा आप लोगों को बता दूं बेटा टू डी और जियो जेबरा क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होता बेटा ये गलत लगा दिया इसमें हाँ चलो कोई दिक्कत ना है मैं हटा देता हूं इसमें क्या होता है बेटा टू डी और थ्री डी सेप इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है टू डी और थ्री डी सेप के लिए अभी आपने देखा हो टू डी सेप ओनली थ्री डी नहीं थ्री डी भी नहीं है इसमें सेप कौन सी शेप नहीं बेटा थ्री डी भी इसमें नहीं ओनली टू डी सेप टू डायमेंशन द्विबिमीय आकृति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है द्विबिमीय द्विबिमीय आकृति के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है ठीक है जैसे इसने दिया बेटा यहां पर अल्फाबेटिकल भी बनाया है यहां एक त्रिभुज का निर्माण किया है इसने ये यहां एक आयत का निर्माण किया है ठीक है यहां भी इसने क्या किया है दो वर्ग बनाए हैं येरे दो वर्ग आपस में बनाए हैं यहाँ ये ए बनाया है इसने ये होता क्या है एक कोई भी गत्ता होता उस पर ना पिन लगी होती हैं ये पिन है लगी हुई भाई पिन लगी होती हैं और उनमें हम क्या लेते हैं रबड़ का छल्ला कोई भी रबड़ का छल्ला पुरा पुरा कर उसे हम लोग सेप में कन्वर्ट कर लेते हैं ये होता है जीव जेबरा आपका ये डायग्राम गलत तो नहीं लग गया जीव जेबरा का बेटा मुझे लग रहा है कुछ कुछ ये जियो बोर्ड है हाँ हाँ एक बार मैं देख लेता मुझे लग रहा है कुछ कुछ जैसे इसमें डायग्राम गलत लग गया हो हाँ, डायग्राम बेटा बदल गए इसके ये जियो बोर्ड है क्या है भाई ये ये जियो बोर्ड है बेटा ये डायग्राम चेंज हो गया इसका लास्ट में ये जियो बोर्ड है भाई जियो बोर्ड है बेटा ये जियो बोर्ड है बी देखो चलो बच्चों ये है जियो बोर्ड ओ ए आर ठीक है ओनली टू के लिए प्रयोग में किया जाता है आगे आपका है जियो जेबरा यह है जियो जेबरा यह है जियो जेबरा बेटा यह टू और थ्री दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है चाहे टू डी सेप हो थ्री डी सेप हो दोनों के लिए जियो जेबरा का इस्तेमाल किया जाता है बेटा जियो जेबरा का इस्तेमाल किया जाता है जेबरा बे जेबरा का इस्तेमाल किया जाता है ये क्या होता है टू डी और थ्री डी सेफ के लिए दोनों के लिए ये होता क्या बच्चों ये क्या होता बेटा ये होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप ना अपने कंप्यूटर कंप्यूटर और फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो हाँ इस्तेमाल कर सकते हो फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा कंप्यूटर और फोन इनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आपने देखा होगा यहां कोई एक ग्राफ बना हुआ है जैसे मैं आपको दिखा दू नहीं दिखाई दे रहा हो ठीक है और ये लाइन इसे बीच से, से डिवाइड कर रही है ठीक है तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है यहां कई बार त्रिभुज भी बन जाता है जैसे आपने देखा हो इस तरह की आकृति भी आपको देखने की मिल जाएगी इस तरह की आकृति और उसे ये यहां डिनोट किया जाता है दो पार्ट में ठीक है तो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर फोन में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसका जियो जेबरा का और बेटा ये होता है जियो बोर्ड ये टू में इस्तेमाल होता है टू डी थ्री दोनों में इस्तेमाल होता है यही आपके टी के सारे सामान हैं इन्हें आप पढ़ लेंगे तो मेरी उम्मीद है आपका यहाँ से क्वेश्चन अवश्य मिलेगा प्यारे बच्चों ठीक है वो थोड़ी सी मिस्टेक थी टाइपिंग और मिलते हैं कल लोग कल नेक्स्ट पंद्रह मिनट सो में आज की क्लास के, के समाप्त कर दे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू